भारत माता की, भारत माता की। आपनारा केमन आछेन, आपनारा सबाई भालो नाकि? माँ कालीर आशीर्वाद निये एवं गुरु रामकृष्ण परमहंसेर नाम स्मरण करे आज आमी आपनार सबार सामने पहुंचे छे। बहुत ही कम समय में यहां के पूरे तंत्र की तमाम कोशिशों के बावजूद ब्रिगेड मैदान पर इतनी भारी संख्या में पहुंचे आप सभी को प्यार से मैं अभिभूत हूं। देश के पॉलिटिकल पंडितों को अगर 23 मई का अंदाजा लगाना है तो वो बंग भूमि से उठ रही इस लहर से अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, बंगाल की कविता और क्रांति का रिश्ता दुनिया में अनूठा है। विद्यापति, चंडीदास, जयदेव, ललन फकीर, नजरुल इस्लाम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और गुरुदेव ने बंगालियों की आवाज को मधुरता दी, तो खुदीराम बोस, सूर्य सेन, श्री अरविंदो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित अनेक वीर वीरांगनाओं ने क्रांति को आत्मा दी। क्रांति और कविता का यही रिश्ता नए भारत के सपनों को साकार करने में काम आने वाला है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आगे आने की कोशिश मत कीजिए। ब्रिगेड मैदान ने इसके पहले कभी इतनी बड़ी भीड़ देखी नहीं। आप जहां हैं वहीं रहिए, आगे आने की कृपया कोशिश मत कीजिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप घंटों से यहां इंतजार कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आपका ये प्यार मेरी सर आंखों पर, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप जो ये प्यार दे रहे हैं ना, मैं ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा। साथियों, कोलकाता हो, हावड़ा हो, दमदम हो, जादवपुर हो, बारासत सहित बंगाल के कोने से इस चौकीदार को जो बीते 5 वर्ष में समर्थन मिला है, जो शक्ति मिली है, उसी का परिणाम है कि आज आपके सामने नम्रता पूर्वक मेरा कार्ड, रिपोर्ट कार्ड लेकर आज आपके सामने आया। साथियों, आपके मजबूत साथ का ही परिणाम है कि भारत की जय जयकार हो रही है। आपकी भागीदारी का ही परिणाम है
कि भारत वो कर रहा है जिसका हम कभी सपना देखा करते थे। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अंतरिक्ष में सैटेलाइट पर स्ट्राइक हो, महाशक्ति की तरफ बढ़ते भारत के कदम को दुनिया गर्वपूर्वक देख रही है और दुनिया स्वीकार करने लगी है। डिजिटल इंडिया की रफ्तार हो, मेक इन इंडिया का उभार हो, या फिर कोलकाता से बनारस तक गंगा जी पर इनलैंड वॉटरवे का विस्तार हो, हर क्षेत्र में नए भारत की ठोस नींव तैयार हो रही। ये सब कुछ किसके कारण संभव हो पाया? मेरे कोलकाता के भाइयों बहनों, अगर आज मैं आपको कुछ सवाल पूछूं तो आप जवाब देंगे? जवाब देंगे? पूरी ताकत से देंगे? जहां आपकी आवाज पहुंचानी चाहिए वहां पहुंच जाएगी? पक्का पहुंच जाएगी? आप मुझे बताइए, ये जितने अचीवमेंट मैंने बताए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे अंतरिक्ष में स्ट्राइक हो, चाहे कोलकाता से बनारस तक वॉटरवे की व्यवस्था हुई हो, ये सब कुछ किसके कारण संभव हुआ है? किसके कारण संभव हुआ है? 5 साल के भीतर ये सब किसने किया है? जी नहीं, ये सब मोदी ने नहीं किया है, ये सब आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। ये आपके कारण नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया है। भाइयों और बहनों, ऐसे समय में जब स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तब हमारे ही देश में कुछ लोग हैं जो मोदी का विरोध करते करते मां भारती का विरोध करने लग पड़े हैं। आप मुझे बताइए, एयर स्ट्राइक का सबूत कौन मांग रहा था? एयर स्ट्राइक का सबूत कौन मांग रहा था? एयर स्ट्राइक पर शक कौन कर रहा था? सेना को निराश कौन कर रहा था? आतंकियों की लाशें दिखाओ, ये किसने कहा था? आतंकियों की लाशें दिखाओ किसने कहा था? सपूतों से सबूत मांगने का पाप कौन कर रहा था? सपूतों से सबूत मांगने का पाप कौन कर रहा था? ये पुलवामा में शहीद हुए भाई सुदीप विश्वास और भाई बबलू सांतरा का अपमान है या नहीं है? भारत के वैज्ञानिकों ने मिसाइल से सैटेलाइट उड़ाने की तकनीक का परीक्षण कर हम दुनिया की चौथी शक्ति हो गए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना, इसको ड्रामा किसने कहा? साथियों, आपका ये चौकीदार
जो 5 वर्ष से कर रहा है उसका सामर्थ्य हमारे पास इन 5 वर्षों में आया है, ऐसा नहीं है। हमारे वीर जवानों के पास एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का हौसला पहले भी था। हमारे वैज्ञानिकों के पास अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने का सामर्थ्य पहले भी था। अगर कुछ नहीं था तो तब की सरकार की नीयत नहीं थी, उनके हिम्मत नहीं थी। भाइयों और बहनों, जब देश हित के आगे अपना स्वार्थ रखा जाता है तो देश का हाल यही होता है। दीदी और उनके साथी आजकल देश विरोधी बोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन डोल रही है। साथियों, कल आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना एक ढकोसला पत्र जारी किया है। इस ढकोसला पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि सेना का सुरक्षा कवच हटा देंगे, जो कानून आतंकी के प्रभाव वाले क्षेत्र में सेना के जवानों को मदद करता है उसी कानून को हटा देंगे। ऐसी बात जिन्होंने 60 साल तक देश में राज किया ऐसे लोग कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस ऐसा वादा कर रही है जो पाकिस्तान में बैठे आतंक के सरपरस्तों को मदद करेगा कि नहीं करेगा? क्यों कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने पर, देश को अस्थिर करने पर तुली हुई है? और भाइयों बहनों, जब से मैं चौकीदार चौकीदार कहने लगा, सीमा पर चौकीदार है कहने लगा, तो एक कांग्रेस के ऐसे नामदार हैं, उनको हर चौकीदार पे गुस्सा आ गया और इसलिए सेना के खिलाफ भी इस प्रकार का कदम उठाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, अपने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की अपनी नीति की वजह से कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के प्रति सर झुकाती रही है, नरम रही है। याद है आपको, आतंकवाद के खिलाफ बना कानून टाड़ा एक किसने हटाया? कांग्रेस। कोटा का कानून किसने हटाया? कांग्रेस ने। साथियों, मत भूलिए, देश में नक्सली माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर भी कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ झूठे वायदे किए। अब सत्ता की भूख में वो अलगाववादियों और आतंकवाद के खुलकर समर्थन में आती हुई दिख रही है। और जब मैं कांग्रेस कहता हूं तब कांग्रेस से निकले हुए तृणमूल वाले भी इस पाप के भागीदार है। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो और उसकी पूर्व पार्टी कांग्रेस पार्टी हो, सारे के सारे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की भी यही वजह है। साथियों, कानून हमारी सरकार ने भी खत्म किए हैं, लेकिन ऐसे कानून जिनके खत्म होने से लोगों की जिंदगी आसान बनी, और हमने 10-20 नहीं, ऐसे 1400 से ज्यादा कानून हमारी सरकार ने 5 साल में समाप्त किए। जहां स्थिति सुधर रही है,
वहां पर अफ्स्का को भी हटाने का काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन कांग्रेस जो कर रही है वो हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ता है, उसे कमजोर करता है। भाइयों और बहनों, आपका ये चौकीदार कांग्रेस के ढकोसला पत्र और देश की सुरक्षा के बीच एक मजबूत दीवार बनकर के खड़ा है। कांग्रेस की साजिशों को ये मोदी कभी कामयाब नहीं होने देगा। साथियों, कांग्रेस के ढकोसला पत्र की एक्सपायरी डेट, कांग्रेस के ढकोसला पत्र की एक्सपायरी डेट पहले से ही तय है। तारीख है 23 मई। कांग्रेस भी गई और उनका ढकोसला पत्र भी गया। देश की जनता पहले इस पर अपना ठप्पा लगा चुकी है। भाइयों और बहनों, कुछ समय पहले बंगाल में एक मंच पर कुछ लोगों को कहते सुना था, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। बड़ा मेला लगा था ना यहां पर, देश के कोने कोने से एक से बढ़कर एक को इकट्ठा किया था ना, हाथ ऊपर कर कर करके मोदी को गालियां दी थी ना। अलग अलग राज्यों से नेता बंगाल आए सिर्फ इतना बताने के लिए मोदी हटाओ। कलकत्ते में इतना बड़ा जलसा किया, मोदी हटाओ। अरे भाई क्यों हटाओ, ऐसा क्या गुनाह किया है मोदी ने? आप मुझे बताइए, गरीबों को घर देना गुनाह है क्या? गरीबों को घर देना गुनाह है क्या? अगर यह गुनाह है तो मैंने किया है। गरीबों को टॉयलेट देना अगर ये गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। गरीबों को रसोई गैस देना गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। गरीबों को बिजली देना गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। गरीबों को मुफ्त इलाज देना गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया है। पिछले 5 साल गवाह है, यह देश ये सब करके दिखा सकता है। नामुमकिन अब मुमकिन है। याद करिए, पश्चिम बंगाल में जैसी स्थिति है वैसी ही कुछ समय पहले त्रिपुरा में थी। कम्युनिस्टों की जंजीर में जकड़े त्रिपुरा ने खुद को इन लाल बेड़ियों से मुक्त किया और बीजेपी को अपनी जिम्मेदारी सौंपी। ये भी नामुमकिन था जो मुमकिन हुआ। अब आज त्रिपुरा तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, जैसे बंगाल की सरकार ने अपने कर्मचारियों को आज तक 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया है, कुछ वैसी स्थिति त्रिपुरा के लेप शासन में भी थी। त्रिपुरा की लेप सरकार ने भी वहां के राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं लेने दिया था। कर्मचारी मांग कर रहे थे लेकिन लेप सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। त्रिपुरा में जब
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब सातवें वेतन आयोग का लाभ वहां के राज्य कर्मचारियों को मिलना शुरू हुआ। साथियों, हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करती है। 5 वर्ष पहले किसी ने सोचा था कि 5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स माफ हो जाएगा? सोचा था क्या? लेकिन नामुमकिन मुमकिन हो गया। 5 वर्ष पहले किसी ने सोचा था कि सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण मिल सकता है? आज गरीबों को भी आरक्षण मिला जो कि नामुमकिन अब मुमकिन है। 5 वर्ष पहले किसी ने सोचा था कि खुद को भारत का भाग्य विधाता समझने वाले परिवार के करप्शन का हिसाब भी होगा? आज पूरा परिवार जमानत पर है क्योंकि नामुमकिन अब मुमकिन है। भाइयों और बहनों, बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। अब बंगाल में न तोलागिरी चलेगी न गुंडागिरी चलेगी। अब हम और आप मिलकर के एक ऐसा बंगाल बनाएंगे जो लेफ्ट और टीएमसी के गुंडा राज से मुक्त होगा। साथियों, 2014 में आपके वोट के कारण हम देश के अंदर 72 सालों के गड्ढों को भर पाए। 2019 में आपके वोट से हम विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं। 2014 में आपके वोट के कारण आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिला। 2019 में आपका वोट आतंकवाद को खत्म करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। 2014 में आपके वोट के कारण सालों से अटकी लटकी भटकी योजनाएं पुनर्प्रारंभ हो पाई। 2019 में आपके वोट से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। 2014 में आपके वोट के कारण सरकार की प्राथमिकता फैमिली फर्स्ट से बदलकर इंडिया फर्स्ट हुई। और 2019 में आपके वोट से भारत वैश्विक स्तर पर फर्स्ट होने का प्रयास करेगा। 2014 में आपके वोट के कारण भ्रष्टाचारी जेल के दरवाजे तक पहुंचे। 2014 में आपके वोट के कारण भ्रष्टाचारी जेल के दरवाजे तक पहुंचे। 2019 में आपके वोट से ये भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाएंगे। में आपके वोट के कारण हम देश की मजबूत बुनियाद का निर्माण कर पाए। 2019 में आपके वोट से एक नए भारत की दिव्य भव्य इमारत का निर्माण होगा। भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद ने इस देश के उत्थान के लिए आह्वान किया था, आने वाले 50 वर्षों तक सब कुछ भूल जाओ और केवल एक राष्ट्र रूपी इस देवता की सेवा करो। आने वाले 50 वर्षों तक भारत मां को ही अपना आराध्य बना लो। और इस देश ने बनाया, हमारे क्रांतिवीरों ने बनाया, देश के एक एक नागरिक ने बनाया। और ठीक 50 वर्ष बाद देश को आजादी मिल गई। आजादी के बाद
50 वर्ष और यदि यही देश स्वामी विवेकानंद के मंत्र पर चल पाया होता तो आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे आगे होता। मेरी यह भारत माता अपने नियत स्थान पर आरूढ़ होती, लेकिन दुर्भाग्य इस देश को आजादी मिली पर देश की जनता को इस देश के मूल चिंतन वाली बागडोर न मिली। लोकतंत्र का बुरखा ओढ़कर परिवार तंत्र देश पर राज करने लगा। देश में 55 साल परिवार तंत्र था, लोकतंत्र की उम्र तो इस देश में मुश्किल से 15-16 साल ही रही है। साथियों, यह कहना कि 72 साल में यह देश अपने टैलेंट, इनोवेशन, हार्डवर्क के बलबूते पर डेवलप कंट्रीज के बीच में क्यों नहीं खड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है। हमारे पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, हमारे पास देश के लिए जीने वाले दीवानों की कमी नहीं थी, कठिन परिश्रम करने वालों की कमी नहीं थी, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन थे, लेकिन 55 साल के परिवार तंत्र में युवा प्रतिभाओं ने वंशवाद के नीचे दम तोड़ दिया। 55 साल के परिवार तंत्र में मेहनत का गला भ्रष्टाचार ने गौंट दिया। 55 साल के परिवार तंत्र में गरीब के सपनों को वोट बैंक ने कुचल दिया। 55 साल के परिवार तंत्र ने सौहार्द में जातिवाद का जहर घोल दिया। 55 साल के परिवार तंत्र ने सेना के शौर्य को दलाली का ग्रहण लगा दिया। 55 साल के परिवार तंत्र ने देश के लोगों को त्याग और देशभक्ति को नजरअंदाज कर दिया। बंगाल भी आज परिवार तंत्र के बोझ तले दब रहा है। बुआ भतीजा मिलकर बंगाल के संसाधनों को लूट रहे, यहां के सामर्थ्य के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। साथियों, बंगाल की धरती देशभक्तों की धरती है। जैसे देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई, उसी तरह देश को इस परिवार तंत्र से मुक्ति दिलाकर जनतंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम भी यह बंगाल करेगा और देश को दिशा देगा। इस बंगाल की धरती का मुझ पर बहुत ऋण है। इस बंगाल की धरती का मुझ पर बहुत ऋण है। जीवन के पड़ाव में मैं जब सारी दुनियादारी छोड़कर कुछ सपने लेकर के आगे बढ़ रहा था तो इसी बंगाल की धरती ने मुझे आदेश दिया कि इस देश की सेवा ही मेरी नियति है। रामकृष्ण मिशन में पूज्य आत्मस्थानंद जी अब नहीं रहे, उन्होंने मेरा लालन पालन किया, उन्होंने मुझे बनाया, मेरे जीवन को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और उन्हीं के आदेश से मैं फिर से वापिस इस सेवा की दुनिया की ओर चल पड़ा। देशवासियों की सेवा के लिए सब कुछ खपा देने का साहस दिया और साथियों, जब तक मैं यह सपना पूरा नहीं कर लेता मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। 72 साल की निराशा और जड़ता से देश को बाहर निकालना है। हर टैलेंट, चाहे गरीब हो या देश के दूरदराज वाले इलाके में, उसके लिए इस देश में अवसर पैदा कर रहे हैं। देश के कोने कोने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। हमारे किसान, अन्नदाता,
उनकी आय दोगुनी करनी है, सेना का आधुनिकीकरण कर उसे मजबूत बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। स्पेस और या साइंस या टेक्नोलॉजी 72 साल की कमियों को पूरा कर दुनिया में सबसे आगे जाना है। साथियों आइए, आने वाले 5 साल हम सब इन संकल्पों को पूरा करने के लिए खप जाएं। आने वाले 5 साल यही संकल्प दिन रात हमारी रगों में दौड़ते रहे, सोते जागते उठते बैठते हमारा एक ही चिंतन हो, बस इस देश का विकास, गरीबों का उत्थान, तब जाकर पिछले 72 सालों की भरपाई होगी। तब जाकर मेरे देश के स्वतंत्रता सेनानी हमें माफ कर पाएंगे, उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी। हमें और आपको मिलकर बंगाल की हर महान हस्ती के सपनों की चौकीदारी भी करनी है, उनके सपनों को भी पूरा करना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये तृणमूल ने लेप से बम बंदूक का जो कल्चर उधारी लिया है उसको परास्त करने के लिए मौका है। आपका एक एक वोट कीमती है, आपकी सुरक्षा ये बंगाल सरकार की भी जिम्मेवारी है, भारत सरकार की भी जिम्मेवारी है। हम हमारी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाएंगे, ये मैं विश्वास देने आया हूं। आपका ये चौकीदार आपके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, मैं कहूंगा मैं भी, आप बोलिए चौकीदार, मैं भी, गांव गांव, गली गली, शहर शहर, घर घर, डॉक्टर भी, शिक्षक भी, इंजीनियर भी, कलाकार भी, हर नागरिक देश में भी, सीमा पर भी, देश हमारा। भाइयों बहनों, यही मिजाज देश को आगे ले जाएगा। मेरे साथ हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।